आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पंचमह पाठक के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें मौखिक और लिखित दोनों ही हैं। यह अभ्यास कार्य आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के 50 प्रश्न हमारे हैं, 50 अंक और जो प्रश्न उत्तर लिखना है, यानी दोनों तरह से मिला करके अभ्यास कार्य अतीव महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो हम लोग अध्ययन करेंगे पंचमह पाठ। इसके पूर्व हम लोग कक्षा नवम के पाठ 1 से लेकर के 4 तक के पाठ के संस्कृत के जो भी गद्य आपद्य हैं उसका अर्थ जान लिए हैं और अभ्यास कार्य भी हम लोग भली प्रकार से जान लिए हैं। इसमें पंचमह पाठ का भी हम अध्ययन करा दिए हैं, पाठ का अर्थ बता दिए हैं आपको, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके अभ्यास कार्य को देखेंगे। तो लिखा यहाँ पंचमह पाठ, पाठ 5, संस्कृतस्य महिमा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, संस्कृत भाषा की महिमा। सबसे पहले आप अपने पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं लिखा अभ्यास मौखिक, यानी मौखिक अभ्यास। तो हम मौखिक अभ्यास को देखेंगे। वहाँ प्रश्न संख्या 1 है, एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर बोलिए। और वहां उदाहरण दिया है कि आप किस प्रकार से लिखेंगे, उदाहरण देकर के समझा दिया है। लिखा है रामम बिना का नास्ते, राम के बिना क्या नहीं है, अयोध्या। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अयोध्या। यह उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में लिखा हुआ है। यह इसलिए लिखा हुआ है कि आप अब बाकी के प्रश्नों को जो यह पूछा है किस प्रकार से लिखेंगे, इसका निर्देश हो गया है। तो क प्रश्न अब हम लोगों को करना है, अब इसको देखते हैं। क लिखा है संस्कृतम बिना का नास्ति, यानी संस्कृत के बिना क्या नहीं है। तो इसका उत्तर क्या लिख देंगे हम लोग, संस्कृते है, यानी संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। ख प्रश्न है हमारा, कस्य अध्ययनम आवश्यकम, किसका अध्ययन आवश्यक है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृतस्य, संस्कृत का, यानी संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। आगे लिखता है संस्कृते के संति, संस्कृते के संति, संस्कृत में क्या है, क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, आचारा विचारा भावना च, व्यवहार विचार और भावनाएं। संस्कृत में क्या है, तो संस्कृत में आचार विचार और भावनाएं है। घ प्रश्न है हमारा, संस्कृतम प्रति जनाः किं कथयन्ति, संस्कृत के प्रति लोग क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, मृता भाषा, संस्कृत के प्रति लोग क्या कहते हैं, मृता भाषा। अंग प्रश्न है हमारा, कस्याम भाषायाम वेदाः उपलभ्यन्ते, कस्याम भाषायाम वेदाः उपलभ्यन्ते, किस भाषा में वेद उपलब्ध हैं। तो हम जानते ही हैं संस्कृत भाषा में, संस्कृत में उत्तर लिखना है, तो हम उत्तर क्या लिख देंगे, संस्कृत भाषायाम। इसका अर्थ हो गया संस्कृत भाषा में। च प्रश्न है हमारा, पाणिनि कस्मिन् शास्त्रे निपुणः, पाणिनि किस शास्त्र में निपुण थे। तो उत्तर क्या लिखेंगे हम, व्याकरण शास्त्रे, व्याकरण शास्त्र में, पाणिनि व्याकरण शास्त्र में निपुण थे। अब आगे बढ़ते हैं हम, और मौखिक अभ्यास का प्रश्न संख्या 2 है, और वह कहता है कि एक वाक्येन उत्तरम दत्त, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जैसा उदाहरण देकर के समझाया है, उदाहरण में लिखा है केम अध्ययनम आवश्यकम, किसका अध्ययन आवश्यक है। तो वहां समझाया है संस्कृत अध्ययनम आवश्यकम, संस्कृत का अध्ययन, संस्कृतम अध्ययनम आवश्यकम, संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है। तो ऐसे ही एक वाक्य में हम लोग भी उत्तर लिख देंगे। क प्रश्न है हमारा, कस्याम भाषायाम शब्द निर्माण पद्धति अस्ति, किस भाषा में शब्द निर्माण की पद्धति है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषायाम शब्द निर्माण पद्धति अस्ति, पद्धति रस्ति लिख दिया गया है एक में जोड़ करके, अलग अलग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे पद्धति अस्ति,
संस्कृत भाषा में शब्द निर्माण की पद्धति है। ख प्रश्न है हमारा, कस्याह भाषाया व्याकरणम अपूर्वम, किस भाषा का व्याकरण अपूर्व है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, संस्कृत भाषाया व्याकरणम अपूर्वम। ग प्रश्न है हमारा, संगीत रत्नाकर कस्मिन शास्त्रे ग्रंथ, संस्कृत रत्नाकर जो है किस शास्त्र में ग्रंथ है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संगीत रत्नाकर संगीत शास्त्रे ग्रंथ, संगीत रत्नाकर संगीत शास्त्र का ग्रंथ है। घ प्रश्न हो गया हमारा, धातवः कति धासन्ति, धातुएं कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, धातवः त्रिधासन्ति, धातु जो है तीन प्रकार की है। पाठ में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कुछ धातुएं आत्मनेपदी होती हैं, कुछ परस्मयी पदी होती हैं और कुछ ऐसी धातुएं हैं जो उभय पदी होती हैं, यानी वो दोनों ही होती हैं। जिन धातुओं कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका धातु रूप सिर्फ आत्मनेपद में चलता है, कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका धातु रूप परस्मयी पद में चलता है और कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका धातु रूप आत्मनेपद और परस्मयी पद दोनों में चलता है, तो ऐसी धातुओं को उभयपदी धातु कहा जाता है। अंगो आ गए हम, आर्यभट्ट कस्य शास्त्रस्य ग्रंथकार, आर्यभट्ट जो है किस शास्त्र के ग्रंथकार हैं? तो उत्तर क्या लिखेंगे हम, आर्यभट्ट खगोल भूगोल खगोल शास्त्रस्य ग्रंथकार। पूछता है ऑब्जेक्टिव में, आर्यभट्ट भूगोल और खगोल शास्त्र के ग्रंथकार हैं। तो अभी तक हम लोग मौखिक अभ्यास का अध्ययन कर रहे थे। यदि आप इस चैनल पर नए हों, बिहार बोर्ड के कक्षा नौवीं के छात्र हों, तो आप अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास टेंथ, क्लास नाइन्थ और टेंथ के सिलेबस के अनुरूप पुस्तकों का अभ्यास कार्य, पाठों का अर्थ और जो भी व्याकरण है वह सब कुछ उपलब्ध है। आप सब्सक्राइब कर लें, देखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। और फिर हम अब लिखित अभ्यास में आ गए, अभ्यास लिखित, लिखित अभ्यास में आ गए इस पंचमा पाठ के। इसका प्रथम प्रश्न है, संधि विच्छेदम करोत, संधि विच्छेद करें। पहला पद क्या है, वार्तालाप, तो क्या इसका विच्छेद लिख देंगे हम, वार्ता धन आलाप, क्या बन जाएगा, वार्तालाप। कौन संधि है, स्वर संधि है। नियम, नियम का क्या हो जाएगा, नौ धन यम, नियम संधि पद है और इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, नौ धन यम। फिर दिया है संधि पद एत दर्थम, और कह रहा है इसका संधि विच्छेद बताइए, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, एतत धन अर्थम। फिर दिया अत्रैव, और पूछ रहा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो अत्रैव का हो जाएगा, अत्र धन एव। फिर है विषय अस्मिन, विषय अस्मिन का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विषय धन अस्मिन। अब हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या दो पर लिखित अभ्यास में। ये कहता है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नान रचयत, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न की रचना करें। तो जो रेखांकित पद हैं उनके नीचे जो है उनके लिए प्रश्नवाचक पद हमें लिखना है। जैसे क लिखता है, संस्कृतम बिना न संस्कृति है, संस्कृतम के नीचे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। अब इस वाक्य का हमको प्रश्न बनाना है, तो यहाँ संस्कृतम के जगह पर क्या लिख देंगे, का बिना न संस्कृति है, किसके बिना संस्कृति नहीं है। ख है, संस्कृते एव आचारादय, संस्कृत में ही आचार इत्यादि हैं। तो प्रश्न हम इससे क्या संस्कृते के स्थान पर लिख देंगे, कस्मिन, कस्मिन एव आचारादय। ग, ग में आ गए हम, भारतीयाः भाषा अस्याः ऋणं धारयन्ति, भारतीय भाषाएं इसके ऋण को धारण करती हैं। तो भारतीयाः भाषाः अस्याः ऋणम के स्थान पर क्या लिख देंगे, केम धारयन्ति, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। हम बताएं जो भी पद रेखांकित किया गया है उसी पद के लिए हमको प्रश्नवाचक पद लिख देना है। घ कहता है, दस उपनिषदः सन्ति,
दस उपनिषदः सन्ति, तो दस के स्थान पर क्या लिख देंगे, संख्या है कति, कति माने कितने, कति उपनिषदः सन्ति, इस प्रकार लिखेंगे। और फिर अंगा कहता है पाणिनिः वैयाकरणः अस्ति, पाणिनी वैयाकरण है, वैयाकरण के स्थान पर प्रश्नवाचक पद लगाना है, तो क्या लिख दिए पाणिनी है कह अस्ति, पाणिनी कह अस्ति। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आ गए कहाँ, प्रश्न संख्या तीन में, तीन कहता है कि अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठकात् समुचितम पदम आदाय रिक्त स्थानानि पूरयत्। नीचे लिखे गए वाक्यों में कोष्ठक से उचित पद को लेकर के रिक्त स्थान को पूरा करें। इसमें क है, क कहता है कि संस्कृतम बिना न, अब कह रहा है कि इस रिक्त स्थान में क्या भरेंगे, ज्ञानम संस्कृति है संरक्षणम, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा संस्कृति है, इस रिक्त जगह में क्या लिख देंगे संस्कृति है। ख है भाषाणाम जननी, रिक्त स्थान दे दिया है, लिखा है संस्कृतम हिंदी अंग्रेजी, तो यहाँ क्या भर देंगे संस्कृतम भर देंगे, भाषाणाम जननी संस्कृतम। इयम भाषा रिक्त अस्थे, अब अजरा अमरा किमृता, तो हम क्या भर देंगे इसमें अजरा अमरा, इयम भाषा अजरा अमरा अस्थि, ठीक है। और फिर घ में आ गए हम, घ कहता है कि क्रियारथम, क्रियारथम और फिर रिक्त स्थान दे दिया लकारा हसन्ते, तो कितने लकार होते हैं दस, इसमें क्या भर देंगे दस। फिर अंग कहता है कि व्याकरण शास्त्रस्य लेखकः, अब यहाँ कौन होगा भाई, यास्क होगा कि पाणिनि, तो हम पाणिनि लिख देंगे, क्या लिखेंगे पाणिनि, यहाँ पाणिनि लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आ गए प्रश्न संख्या चार पर, ये कहता है कि संस्कृत भाषायाम अनुवादम करोत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करें, और ये अनुवाद परीक्षा में 7 नंबर का आता ही है, अनुवाद बनाने सीख जाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम कारक प्रकरण का लिंक आपको दे देंगे, कारक प्रकरण का बिल्कुल आप अध्ययन कर लीजिए, एक एक वीडियो को, लगभग 7-8 वीडियो है कारक प्रकरण का, उसको देख जाइए आप, अनुवाद आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। क है विनय के बिना विद्या व्यर्थ है, तो क्या हो जाएगा विनयम बिना विद्या व्यर्थमस्ति, बिना जोगे द्वितीया तृतीया पंचमी कोई भी हो सकता है, यहाँ विनयम भी हो गया, विनयम बिना विद्या व्यर्थम भावात यास्ति, विनय के बिना विद्या व्यर्थ है यहाँ लिखा है। ख है ज्ञान के बिना सुख नहीं, तो क्या लिख देंगे ज्ञानम बिना सुखम न। फिर कहता है राम के बिना अयोध्या नहीं, तो रामेण बिना अयोध्या न, यहाँ भी रामम बिना अयोध्या न हो सकता है, रामात बिना अयोध्या न हो सकता है, यानी बिना जिसके योग में आएगा उसमें द्वितीया विभक्ति भी हो सकती है, तृतीया भी हो सकती है और पंचमी विभक्ति भी हो सकती है, यह सब जानने के लिए आपको कारक प्रकरण का अध्ययन करना होगा। आगे लिखा वेद चार हैं, क्या बना लेंगे वेदाः चत्वारो सन्ति। फिर लिखा पुराण 18 हैं, क्या लिखेंगे पुराणाः अष्टादश सन्ति। और अंतिम अनुवाद है हमारा स्मृतियां 108 हैं, तो लिखेंगे इसके लिए उपनिषदाः सत अष्टोत्तर सन्ति। तो हम लोग पंचम पाठ के अभ्यास कार्य को अध्ययन कर लिए, समझ में आया आप लाइक अवश्य करेंगे, लाइक करके संकेत करेंगे कि आपको हमारी बात भली प्रकार से समझ में आई, और भी अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अध्ययन करें। और यदि आपको कहीं कोई असुविधा लगता है, कहीं कोई परेशानी इसमें आपको समझ में आ रही है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जो है ऑल दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो जो है पहुंचता रहे, आप अध्ययन करते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।